गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राज गुप्ता, योर आईटी कंसल्टेंट। बात करते हैं गूगल शीट ऑटोमेशन वर्सेस ईआरपी या सीआरएम, या फिर आप इसको कहते हैं ऐप स्क्रिप्ट ऑटोमेशन, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको गूगल शीट के नाम से जानते हैं, तो मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ। रिसेंटली मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं मेरे वेंडर से, या फिर जिनके लिए हम ईआरपी सीआरएम जनरली हम रिलीज करते रहते हैं, कि क्या गूगल शीट ऑटोमेशन से सारा काम किया जा सकता है। तो उन लोगों को के लिए, या फिर वो जो कि अभी कंफ्यूज हैं इस चीज़ को लेके कि इधर सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्टमेंट करें, गूगल शीट ऑटोमेशन से काम करा लें, उनके लिए कुछ मैं पॉइंट्स हैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, और साथ में अवेयर भी करना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में मैं आपको बात बताता हूँ कि ईआरपी और सीआरएम का ऑल्टरनेटिव नहीं है गूगल शीट ऑटोमेशन। इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि ईआरपी या सीआरएम जो कि एक जनरल कोडिंग लैंग्वेज के साथ बनता है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है गूगल शीट ऑटोमेशन। गूगल शीट ऑटोमेशन से आप वो सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैं कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अगेन, वाई गूगल शीट ऑटोमेशन, पहले जानते हैं कि जरूरत क्या है गूगल शीट ऑटोमेशन की, क्यों यूज़ करें गूगल शीट ऑटोमेशन। फास्ट डेवलपमेंट है, बहुत ही जल्दी डेवलपमेंट हो जाती है। अगर आप ईआरपी या सीआरएम से कंपेयर करेंगे, अगर वहाँ पर 10 दिन लगते हैं, तो यहाँ पर शायद 1.5 से 2 दिन लगे, या हो सकता है उससे भी कम लगे। तो बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट हो जाती है किसी भी चीज़ की। इजी टू मॉडिफाई एंड यूज़ है। आपने कहा कि नहीं नहीं यार, मेरे को ऐसा नहीं, मेरे को ऐसा चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है, फटाफट रिक्वायरमेंट को कैप्चर किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और दोबारा के दोबारा विद इन हाफ एन आवर समथिंग लाइक दैट आपको यूज़ में लाया जा सकता है। नेग्लिजिबल कॉस्ट है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, ध्यान रखिए स्मॉल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर गूगल का जनरल कोटा, जनरल सब्सक्रिप्शन वैल्यू वो सब पिक्चर में नहीं आती हैं। तो अगर आप जी सूट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपका बेसिक सब्सक्रिप्शन पैसा ही लगेगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। या फिर एक बार अगर किसी कंपनी से आप बनवाते हैं, तो एक बार की आपकी सेटअप कॉस्ट है। सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कॉस्ट है फॉर स्मॉल बिजनेसेस। मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, क्योंकि जनरली बिजनेसेस जो हैं, अगर जनरल जो पेपर बेस्ड काम करते थे, वो अब एक्सेल शीट पे, स्प्रेडशीट पे काम करते हैं, मैक्सिमम ईआरपी सीआरएम पे भी जनरली मूव नहीं हुए हैं, तो उनके स्टाफ को भी और उनको भी जनरली एक्सेल शीट या स्प्रेडशीट पे काम करने की आदत होती है। तो और ये लगभग उसी के आसपास गूगल फॉर्म्स और गूगल शीट्स के आसपास घूमती है पूरी ऑटोमेशन। तो ट्रेनिंग की लगभग रिक्वायरमेंट नहीं होती, बेसिक चीज़ें आपको बता दी जाती हैं और फटाफट काम शुरू हो सकता है इसके अंदर। लुकिंग फॉर ऑटोमेशन ट्रायल, अगर आप बेसिकली आपने अब तक कुछ यूज़ किया ही नहीं है, आपने अपनी कंपनी में कोई आज तक ऑटोमेशन लगाया ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, और आपको डर लग रहा है कि यार ईआरपी में इतने पैसे लगाऊं ना लगाऊं वगैरह वगैरह, तो आप एक ऑटोमेशन ट्रायल गूगल स्क्रिप्ट के थ्रू करके देख सकते हैं, कुछ चीज़ ऑटोमेट करके देख सकते हैं। आपको पता लग जाएगा कि क्या ऑटोमेशन सही में कुछ वैल्यू लेके आती है। मतलब थ्योरी में हम कुछ ही बोल सकते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है वगैरह, लेकिन अगर आपको सीरियस सेंस में उसको एक बार प्रैक्टिकल करके देखना है कि हाँ यार मेरे को कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे सीरियसली क्या मेरे को हेल्प करेगा, तो आप एक ऑटोमेशन ट्रायल जो है वो गूगल शीट पर ले सकते हैं। इससे आपको एक्चुअल आइडिया आएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑटोमेशन एंड व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड सो मच। मॉड्यूल वाइज बेसिक ऑटोमेशन, अगर आपको ईआरपी या सीआरएम नहीं चाहिए, बेसिकली आपका कोई एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि रिपीटेड है, जिस जो कि बार बार रिपीट हो रही है, उसको आप चाह रहे हैं कि यार ये ऑटोमेट हो जाए, तो ऐसे पर्टिकुलर मॉड्यूल वाइज अगर आपको ऑटोमेशन चाहिए तो वो हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपका छोटा सा सेल्स का कोई छोटा पार्ट है, उसको आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल पेमेंट रिमाइंडर है हम बनाते हैं, पेमेंट रिमाइंडर सिर्फ कि आप ऑटोमेट करना चाह रहे हैं कि चल ठीक है मेरी मेल जाती रहे जिन जिनके पास मेरी पेमेंट पेंडिंग है, या मेरी मार्केटिंग की ऑटोमेशन हो जाए, अपने आप मेरी मेल जाती रहे, लीड जनरेशन होती रहे, तो ऐसी बेसिक जो मॉड्यूल वाइज ऑटोमेशन है वो इसके अंदर आप कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। नाउ हु शुड नॉट गो फॉर गूगल शीट ऑटोमेशन, ये ध्यान रखिए कि किन लोगों के लिए गूगल शीट ऑटोमेशन नहीं बनी है, या जिनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। फ्रिक्वेंट ऑडिट्स, वो बिजनेसेस जिनके अंदर ऑडिट्स फ्रिक्वेंट होते हैं, या फिर किसी भी तरह का डर है, उनको गूगल शीट ऑटोमेशन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आप ओपन डेटाबेस पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर गूगल शीट की एक्सेस एक बार हुई, तो योर ऑल डेटा इज ओपन टू एनीबडी, कोई भी उसको देख सकता है, प्लस उसको चेंज भी कर सकता है। चेंज करने के बाद भी आप उसको प्रूव नहीं कर पाएंगे कि किसने चेंज किया, कब किया। तो डायरेक्ट डेटाबेस पे काम हो रहा है, इसलिए जिनके फ्रिक्वेंट ऑडिट्स हैं, या उसका डर है, या कोई भी रिलेटेड चीज़ें हैं, तो आपके लिए गूगल शीट ऑटोमेशन नहीं है। इस बात का ध्यान रखिए, आज नहीं तो कल आपको इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। ग्रोइंग बिजनेसेस, आपका बिजनेस ग्रो है, आज आपने ऑटोमेशन करा दी, लेकिन आपको लगता है बहुत ही फास्ट ग्रो कर जाएंगे, अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में ग्रो कर जाएंगे, तो आप गूगल शीट ऑटोमेशन के लिए मत जाइए। क्यों? क्योंकि आपको फाइनली ईआरपी और सीआरएम पे आना ही पड़ेगा।
मेरे पास मोर देन 15-20 कस्टमर्स हैं जो कि इस तरह की गूगल शीट ऑटोमेशन से या फिर एक्सेल शीट ऑटोमेशन से मेरे पास आए हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको वहां तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो है और वेरी फास्ट ग्रो कर रहा है, तो आज इस पे भी ट्राई करने का ज्यादा फायदा नहीं है। तो अपना पूरा का पूरा डेटाबेस, पूरी स्टाफ की ट्रेनिंग, पूरा पैसा इस पे लगाने की अभी जरूरत नहीं है। बिजनेस विद लॉट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, अगर आपकी ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं, होता क्या है कि कुछ बिजनेस हैं जिनका टिकट साइज बड़ा होता है लेकिन ट्रांजेक्शंस कम होती हैं, तो वहां काम चल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिनका टिकट साइज कम होता है, ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होने से क्या होगा कि आपकी शीट्स बहुत जल्दी फिल होगी, और इसके अंदर शीट्स की एक लिमिट है। वो लिमिट जब आपकी इंक्रीज हो जाएगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं उसके अराउंड। तो अगर आपकी ट्रांजेक्शंस बहुत ज्यादा हैं तो आपके लिए गूगल शीट ऑटोमेशन नहीं है। मल्टी डिपार्टमेंट बेस्ड बिजनेस, मैंने आपको पहले बताया कि इसके अंदर मॉड्यूल वाइज कुछ कुछ चीजें तो ऑटोमेट की जा सकती हैं, लेकिन अगर आपके मल्टीपल बिजनेस हैं और उनको इंटीग्रेट करना है तो इसके अंदर ऑटोमेशन नहीं चलती है। अगर आपको कोई कह रहा है कि ये चल जाएगी तो इट विल नॉट वर्क, बिलीव मी, क्योंकि आप इसके अंदर डेटा डुप्लीकेसी होती है, एक ही डेटा को चार जगह रेफर नहीं किया जा सकता इजीली, इसके अराउंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मल्टी डिपार्टमेंट, ईआरपी का मतलब ही चीज़ों को इंटीग्रेट करना होता है, तो अगर आप डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट, डिफरेंट मॉड्यूल्स लाइक सेल्स, परचेज, वेंडर को आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, इट विल नॉट वर्क आउट। सिक्योरिटी सेंसिटिव बिजनेस, आपका बिजनेस सिक्योरिटी सेंसिटिव है, जहां पर ये चीज मैटर करती है कि किसको क्या चीज जा रही है, किस क्या कितने पैसे का जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है, इस तरह का कुछ भी अगर आपका सिक्योरिटी सेंसिटिव बिजनेस है तो आपके लिए गूगल शीट ऑटोमेशन नहीं है, क्योंकि आप पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इसको सिक्योरिटी प्रॉन होने से नहीं बचा सकते, सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो रहेंगे। डेटा ड्रिवन बिजनेस है, आपको लगता है कि आपका बिजनेस आपके डेटा पे डिपेंडेंट है, अगर वो डेटा चोरी हो गया या कोई ले गया तो आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर आपके डेटा को कोई और उठा के ले गए जाके उसको सिमिलरली कॉपी कर सकता है और बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, तो आपके लिए गूगल शीट ऑटोमेशन नहीं है। कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल विद इन 2 मिनट्स उस डेटा को कॉपी करके दूसरी शीट पे डाल के भेजा जा सकता है, मेल किया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि सारा सारा डेटाबेस ओपन है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाई यू शुड अवॉइड गूगल शीट ऑटोमेशन, पहले मैंने बोला कि किसके लिए, व्हाई यू शुड अवॉइड गूगल शीट ऑटोमेशन, आपको क्यों अवॉइड करनी चाहिए। नाउ आई टेल यू बिट ऑफ, थोड़ा सा अंदर जाते हैं कि क्या कारण है क्यों अवॉइड करनी चाहिए। पहला चीज, गूगल डू नॉट रिकमेंड गूगल शीट ऑटोमेशन फॉर ईआरपी एंड सीआरएम, लीव अबाउट मी, लीव अबाउट एनीबडी एल्स। गूगल की आप खुद वीडियोस चेक कीजिए यूट्यूब पर और आपको मिल जाएंगी, वो खुद ये कहता है कि गूगल शीट ऑटोमेशन ईआरपी और सीआरएम के लिए नहीं है, ना ही आप इसको ट्राई कीजिए, ये बेसिक यूटिलिटीज के लिए बना हुआ है, आप इसको प्रॉपरली गूगल में या यूट्यूब पर जाके सर्च कीजिए, आपको मिलेगा, गूगल ने खुद रिकमेंड करता है इसको। तो मेरी तो बात ही खत्म हो गई है। दे इवन डू नॉट रिकमेंड इन ऐप मेकर अपडेट, अब व्हाट इज ऐप मेकर, गूगल ने क्या किया कि गूगल शीट से थोड़ा सा ऊपर वर्जन बनाने के लिए, मतलब थोड़ी सी चीजें और स्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने ऐप मेकर रिलीज किया, इसके अंदर आप ऐप बना सकते हैं, कुछ चीजें मॉडलाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली क्यों, क्योंकि वो भी जानते थे इससे नहीं हो सकता, तो उन्होंने ऐप मेकर रिलीज किया। तो ऐप मेकर जो उन्होंने न्यू रिलीज किया उसके अंदर भी वो ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि आपका प्रॉपरली ईआरपी या सीआरएम बन सकता है, वो कहते हैं कि एक बेसिक लेवल की अपग्रेडेशन है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर गूगल कह रहा है तो जिसने बनाया वो वही बात कह रहा है, हमारी तो बात ही नहीं बनती। चलो उसके बावजूद मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसके अंदर, आप किसी भी सेल के अंदर कोई भी डेटा डाल सकते हैं, जो वैलिडेशन है वो एक बेसिक लेवल तक डाली जा सकती है, उसके बाद कोई वैलिडेशन इसके अंदर नहीं डाली जा सकती। कुछ भी आपने डाल दिया, आपके स्टाफ ने कुछ भी चेंज कर दिया, आपको पता लगना बहुत मुश्किल है, और बहुत जब तक पता लगेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। डेटा कंसिस्टेंसी, एक ही डेटा को 10 जगह कॉपी करना पड़ता है बेफालतू में बिना किसी मतलब के, और इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की ईमेल आईडी है, आपने कहा अपने स्टाफ को जाके ईमेल आईडी भाई वहाँ चेंज कर दो क्योंकि इसकी ईमेल आईडी बदल दी है, उसने बदल दी, अगली बार फिर उसको मेल चली गई, उसने कहा सर मैंने तो बदल दी थी, वो सही कह रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि 4 जगह सेम ईमेल आईडी कॉपी करनी पड़ती है, इसलिए वो 1 जगह बदल दी थी, 3 जगह बदलना भूल गया था। ये प्रॉब्लम बाकी सॉफ्टवेयर्स में नहीं आती है, क्योंकि वहां पर आपका डेटा एक बार एक ही जगह होता है, अगर एक बार चेंज हो गया तो हर जगह चेंज हो गया। नेक्स्ट, नेविगेशन प्रॉब्लम, ये तो आपने देखी होगी, अगर आप गूगल शीट पे काम कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पर यूआई नहीं होता है, यूआई पे आप नहीं दिखा सकते हैं चीजों को, पीछे को डेटाबेस को, गूगल शीट को आप डेटाबेस लेवल तक नहीं यूज कर सकते हैं, तो नेविगेशन प्रॉब्लम। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल करके देखिए, कभी जी कॉलम तक, जेड कॉलम तक आगे जाके, और कभी अगर 50,000 से ज्यादा रोज हो जाए तो आप नीचे आगे देखिए, कितनी भी ऑटोमेशन लगा लीजिए नेविगेशन प्रॉब्लम नहीं जाने वाली इसकी।
बहुत टाइम वेस्ट होता है इस नेविगेशन के अंदर। हम सिंपल एक सॉफ्टवेयर के अंदर बोल देते हैं कि ये लोड होने में टाइम ले रहा है, इसके अंदर नेविगेशन में कितनी प्रॉब्लम आती है। आपका स्टाफ सिर्फ आपको इसलिए मना नहीं करता क्योंकि उसकी आसानी हो जाती है, उसको क्या फर्क पड़ता है टाइम कितना वेस्ट हो रहा है। शीट स्लोनेस, हैवी डेटा, रोज लिमिट, समझिए सारा का सारा डेटा जो आता है वो ब्राउजर पे लोड होता है, ब्राउजर की एक लिमिट है चीजों को लोड करने की। तो अगर उस एक लिमिट से ज्यादा डेटा मान ली शीट ने स्टोर भी कर लिया तो जब उसको खुलेगा तो खुलने में बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, क्योंकि ब्राउजर है वो क्लाउड पे, आई मीन ब्राउजर पे डेटा है वो सारा का सारा डेटा, जब इतना सारा डेटा एक साथ आता है तो क्लिपबोर्ड पे कॉपी नहीं हो पाता, उसमें प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और रोज की जो लिमिट है शीट्स की वो तो है ही है, वो तो रहेगी रहेगी, उससे ज्यादा आप डेटा को ले आ नहीं सकते इसके अंदर। जीमेल जी सूट अकाउंट होना मैंडेटरी है, जितने भी इसके यूजर्स होंगे चाहे आपका स्टाफ हो और कल को अगर आप क्लाइंट को या वेंडर को देना चाह रहे हैं उनके पास जी सूट या जीमेल अकाउंट होना मैंडेटरी है, इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है उसको एक्सेस देने का। गूगल फॉर्म्स को आप जरूर उनको भरवा सकते हैं या टच करवा सकते हैं, लेकिन डेटा पे काम नहीं करवा सकते आप जीमेल जी सूट अकाउंट के बिना। सिक्योरिटी इश्यूज है, जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज है इसके साथ, ये ओपन है आपके जीमेल की एक्सेस मिल गई, सब कुछ गोन है, ओपन डेटाबेस है, सबको सब कुछ दिख रहा है, कोई कुछ कभी भी किसी भी चेंज कर दे इसके अंदर। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है हिस्ट्री मेंटेन करने का कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है, हिस्ट्री आपको बेसिक लेवल की दी जाएगी, सारी चीज़ों की हिस्ट्री देखना बहुत ही मुश्किल काम है। आप खुद ट्राई कर लीजिए, अगर आपको खुद ही पिछली बार 50-50 लास्ट चेंजेस आपको चेक करने हो तो कोई तरीका नहीं है। गूगल शीट वर्जनिंग मेंटेन करती है लेकिन आपको हिस्ट्री पे एग्जैक्टली रिलाई नहीं कर सकते आप उसकी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता लगेगा कब किसने क्या क्या चेंजेस किए। डेटा स्टीलिंग, जैसे मैंने आपको बताया डेटा कैन इजीली बी स्टोलन क्योंकि सारा शीट पे है, जब मर्जी कॉपी कर लो। डिफेक्ट प्रोन है, इजी टू मॉडिफाई, जो इजी टू मॉडिफाई जो मैंने पिछले बताया वो इसका एक एडवांटेज भी है क्योंकि आसानी से हो जाता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। इजी टू मॉडिफाई होने से क्या होता है कि अगर किसी ने हल्का सा भी चेंज कर दिया एक शीट के अंदर और सारी की सारी शीट्स फॉर्मूला से अटैच होती हैं, एक दूसरे के ऊपर कॉम्बिनेशन से अटैच है, अगर एक जगह एक चीज बिगड़ी हर जगह आपको नल नल टाइप की चीजें दिखेंगी और भी एरर्स दिखेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और फिर वो समझना बहुत भारी काम हो जाता है। इसीलिए इट्स वेरी डिफेक्ट प्रोन, सेकंड नहीं लगता है डिफेक्ट आने में, और फिर सब दिक्कत सबसे बड़ी है कि आम बंदे को समझ में भी नहीं आता कि हुआ क्या है। ये सब चीजें जनरली स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर के साथ नहीं होती हैं। कोटा प्रॉब्लम, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, मैं आपको बताता हूं। गूगल के अंदर सिर्फ स्टोरेज की बात नहीं है या सिर्फ जीमेल जी सूट की सब्सक्रिप्शन की बात नहीं है, हर चीज का कोटा है इसके अंदर। आप कितनी बार कोई चीज डाउनलोड कर रहे हैं, कितनी बार अपलोड कर रहे हैं, कितना आपकी स्क्रिप्ट कितनी देर तक चल रही है, किस मेल को कितनी बार एक्सेस कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें, हर चीज के ऊपर कोटा लगा हुआ है। वो कोटा आपको इसलिए नहीं पता लगता क्योंकि आपका बिजनेस छोटा होता है, बेसिक लेवल पे आपने यूज किया, जैसे इसको क्रॉस करेंगे तो हर चीज के ऊपर सब्सक्रिप्शन है, हर चीज के ऊपर मंथली पैसा है, और वो मंथली पैसा इतना भारी हो जाता है कुछ टाइम बाद कि वो किसी भी बाकी सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग को कवर कर देता है। तो एक कोटा प्रॉब्लम बहुत बड़ा ट्रैप है, इसको जब भी आप करें ध्यान से पूछ के समझ के करें। बेसिक लेवल पर सबको सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही हल्का सा बढ़ेगा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, कोटा प्रॉब्लम विल कम इन टू पिक्चर, इट्स अ बिग ट्रैप। ऐप स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन लिमिटेशन, ऐप स्क्रिप्ट की लिमिटेशन है, एक 4-5 मिनट 6 मिनट से आगे नहीं बढ़ती है अगर एक बार में कोई प्रोसेस चला है। ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है जिसमें टाइम लग रहा है या कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है जहां से आपकी डेटा लेके आना है डालना है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है, तो ये फेल हो जाएगी, फिर ये काम नहीं करेंगी और फिर आपका जो भी वेंडर है उसको ये बोलना पड़ेगा सर ये तो लिमिटेशन है, क्योंकि फाइनली तो चीजें उसी गूगल के कंट्रोल में है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है, आप एक कंट्रोल लेवल तक ही उसको यूज कर सकते हो, जहां पर वो सेकंड मतलब कुछ भी नहीं लगेगा उसको बोलने में कि ये तो जीमेल की पॉलिसी में नहीं है, पॉलिसी में नहीं है तो आपकी बात खत्म हो गई है, जबकि ये चीजें जनरल सॉफ्टवेयर के साथ नहीं होती है, आई मीन ERP या CRM की बात करूँ तो। थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन इशूज, थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के बहुत इशूज हैं, जैसे कि इसके अंदर अगर आपको टेली इंटीग्रेशन या बिजी इंटीग्रेशन करनी पड़े तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, एक बेसिक लेवल की इंटीग्रेशन हो सकती है। अब और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है जिसकी इसके अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट नहीं है और उसको करने में प्रॉब्लम आती है, ये सब चीज़ें बाद में आपको रियलाइज होंगी। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मैं बताना चाहूँगा कि जनरली फॉर एग्जाम्पल आप अभी सोच सकते हैं कि लेट्स आपको अकाउंटिंग करनी है, आई एम नॉट टॉक अबाउट इनवॉइसिंग, सोचिए अकाउंटिंग करनी है, वाउचर्स बनाने हैं, वाउचर्स क्रिएट करने हैं, वो कैसे करेंगे, वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं गूगल शीट के अंदर, ठीक है। इनवॉइसिंग बन सकता है, इनवॉइस बन जाएगा, फॉर्मेट बन जाएगा, कोटेशन बन जाएगी, लेकिन वाउचर्स कैसे बनेंगे, उसके लिए तो आपको प्रॉपर वो चाहिए, UI चाहिए उसके अंदर, UI UX वगैरह अच्छा चाहिए उसके अंदर, वो सब चीज़ें इसके अंदर नहीं हो पाती हैं। अब लोग उसमें कहेंगे ठीक है उसके लिए तो हम टैली यूज़ कर लेंगे, मैं कहूँगा अच्छा इसके अंदर वेंडर को लॉगिन दे दो आप,
वेंडर कैसे इसको एक्सेस करेगा पिछले को, नहीं वेंडर को तो हम जी व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, क्लाइंट हो कैसे उनसे तो हमारा क्या कहते हैं दूसरा सॉफ्टवेयर है उससे बात बन जाती है या फिर हम फोन पे ले लेते हैं। अरे भाई अगर आप डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट चीजें ही यूज करनी है तो ईआरपी आपने सोचा भी कैसे, फिर तो आपको सॉफ्टवेयर यूज करने का फायदा नहीं है, फिर ये ऑटोमेशन नहीं है, फिर तो जो मैं कह रहा हूँ कि बेसिक यूटिलिटी ऑटोमेशन है, कोई छोटे छोटे पार्ट को ऑटोमेट कर रहे हो। जब तक आपके बिजनेस की डिफरेंट चीजें जो डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं, वो एक ही सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है, आपकी प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है, आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी। ये आपको बात समझनी बहुत जरूरी है। ये छोटी छोटी ऑटोमेशन करके आप अपने छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाह रहे हो और इसको ऑल्टरनेटिव मान रहे हो तो इट विल नॉट वर्क। नाउ व्हाई ईआरपी, अब ईआरपी क्यों, बेसिक चीजें बात करते हैं। बिजनेस मॉड्यूल्स इंटीग्रेशन, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपकी कंपनी में डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जनरली होते हैं बिजनेस के अंदर, सेल्स है, परचेज है, वेंडर है, एचआर है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, ये सब आपको अलग अलग चलाने हैं और बेसिक लेवल पे चलाने हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर आपको जोड़ना पड़ेगा तो आपको ईआरपी की जरूरत पड़ेगी। ईआरपी का मतलब ही मॉड्यूल इंटीग्रेशन, बिजनेस इंटीग्रेशन, डिपार्टमेंट इंटीग्रेशन होता है। कॉमन डेटाबेस, किसी भी मॉड्यूल से डेटा आ रहा हो, किसी भी डिपार्टमेंट से डेटा आ रहा हो, डेटा एक ही जगह सेव होता है, एक ही जगह चेंज होता है, एक ही जगह से पिक होता है। इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है और इसके ही सबसे मेजर इफेक्ट आते हैं किसी भी कंपनी की ग्रोथ पर, क्योंकि सेल्स वाले को यह पता है कि स्टॉक में कितना माल है, राइट, और जो प्रोडक्शन वाला है उसको पता है कि कितना बच गया, कितना बनाना है, या सेल्स का कितना मेरे पास प्रेशर है कि मेरे को कितना और माल डिलीवर करना है। ये सब चीजें इंटीग्रेटेड रहती हैं, एक दूसरे से पूछना नहीं पड़ता उनको, बार बार जाके बोलना नहीं पड़ता कि भाई कितना बच गया, कितना रह गया, तेरे पास है या नहीं है, ऑर्डर दूं या ना दूं। फॉर एग्जांपल सेल्स के पास एक कॉल आई, सेल्स वाले से पूछा कि मेरे को एक्स आइटम जो है मुझे 100 चाहिए, राइट, सेल्स वाले ने कहा ओके ठीक है, हो गया, डन हो गया। बाद में उसने उसको फोन किया इन्वेंट्री वाले को, उसने कहा नहीं यार हमारे पास तो 20 ही हैं, तो उसने कहा बाकी कैसे मिलेंगी, वो तो हो नहीं सकती, कहाँ से मिलेगी, नहीं यार मैं प्रोडक्शन वालों को बोलता हूँ, प्रोडक्शन वाले कहते हैं हमारे माल ही नहीं है, माल वो कह रहे माल नहीं है, माल मंगाओ यार, माल मंगाते हैं वेंडर, वेंडर तो अभी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए क्योंकि सारी चीज़ इंटीग्रेट नहीं है तो पूरी प्रॉब्लम घूम गई। यहाँ पर अगर सेल्स वाले को शुरुआत में ही इन्वेंट्री की एक्सेस होती, सब कुछ पता होता, तो वहीं से कहता कि सर अभी 100 अवेलेबल नहीं है, 20 अवेलेबल है, आप 20 दीजिए, 80 को हम इतने डिलीवर करेंगे, आपकी कंपनी की जो इमेज है वो खराब नहीं होती। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैंने सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन जो है वो ईआरपी से इंप्रूव हो जाती है। एंड अगेन प्रोसेस स्ट्रीमलाइनिंग, तो आपकी हर चीज प्रोसेस के थ्रू चलेगी, क्योंकि बिना प्रोसेस के तो ईआरपी जनरली फेल हो जाते हैं। तो अगर आप एक प्रोसेस के थ्रू चलना चाह रहे हैं तो ईआरपी इज बेटर, और आप कह सकते हैं कि प्रोसेस से चलना चाह रहे हैं तो ईआरपी लगा लीजिए, क्योंकि ईआरपी लगा लेंगे तो प्रोसेस में अपने आप आ जाएंगे, तो फिर आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके बिना काम ही नहीं चल पाएगा। इन्हीं सब चीजों की वजह से जो मैंने ऊपर बात की, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, आपके हर एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, आपके पूरे बिजनेस की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हर मॉड्यूल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है इन्हीं सब कारणों से। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, अगेन एज एन ओनर, एज ए मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट और मे बी द कंपनी और मे बी द बिजनेस, आपकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पूरे के पूरे बिजनेस का स्नैपशॉट बहुत ही क्लियरली नजर आएगा, आपको एग्जैक्ट नजर आएगा मेरे कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ पर लोग एफिशिएंट हैं, कहाँ पर लोग एफिशिएंट नहीं हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है, परचेज में प्रॉब्लम है, सेल्स में प्रॉब्लम है, स्टॉक नहीं है, वेंडर प्रॉब्लम कर रहे हैं। यू विल बी एबल टू एनालाइज ऑल द डेटा बिकॉज ऑल द डेटा इज कनेक्टेड इन अ कॉमन डेटाबेस। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो यू कैन नॉट एनालाइज सिर्फ एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल्स को एनालाइज कर भी लिया और सेल्स की प्रॉब्लम निकाल भी ली, हाउ वुड यू कम टू नो कि भाई सेल्स की जो प्रॉब्लम थी ये तो बेसिकली आपके वेंडर की वजह से आ रही थी, क्योंकि वेंडर माल नहीं पहुंचा पाया था तो प्रोडक्शन वाले बना नहीं पाए थे, राइट? आपने सेल्स को तो सारी प्रॉब्लम्स गिना दी, भाई तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे, लेकिन आपको भी एनालाइज नहीं कर पाओगे क्योंकि सेल्स का डेटा बाकी लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है। रिड्यूस्ड एरर, इन्हीं सब चीजों से एरर भी रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें प्रोसेस स्ट्रीमलाइन है, आपको हर जगह चेक्स लगे हुए हैं, तो अगर आप कोई भी गलती करोगे तो एरर खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कुछ बेचने की कोशिश की, सेल्स वाले ने बेचने की कोशिश की, एंटर मारा, उसने 100 माल बेचने की कोशिश की, इन्वेंटरी ने फटाफट बता दिया कि भाई है ही नहीं माल, कहाँ से बेचोगे, तो इस तरह के एरर जो है खत्म हो जाते हैं, जवाबदेही बन जाती है। हर चीज ईआरपी के थ्रू चल रही है, प्रोसेस के थ्रू एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड, कोई मना नहीं कर सकता है कि मैंने मांगा था नहीं मांगा था, बोला था या नहीं बोला था। तो इस तरह से चीजें एरर रिड्यूस हो जाते हैं।
आई एम ट्राइंग टू कवर वेरी फास्ट हियर, रिड्यूस्ड कॉस्ट. अब सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी. कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो जाएगी, बहुत सारे तरीके हैं. एक बंदा दिन में लेट से वो 8 घंटे काम करता था तो शायद हो सकता है 3 घंटे वो एफिशिएंट था, राइट. अब वो 5 आवर्स एफिशिएंट हो जाएगा, 6 आवर्स एफिशिएंट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि उसका जो जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो तो सब खत्म हो गई. पहले वो बोलता रहता था यार परचेज वालों से बात नहीं हुई, यार वो एचआर वाले परेशान कर रहे हैं, उनसे बात हुई है, मैं जाऊंगा बात करूंगा. अब चीजें खत्म हो गई हैं, राइट. इन सब चीजों पे आपकी कॉस्ट खत्म हो जाती. तो वही जो आपका बंदा पहली बार जो 3 घंटे काम करता था वो 6 घंटे काम कर पा रहा है, एफिशिएंट हो गया है बेसिकली. तो आपकी यहाँ तो कॉस्ट बच गई ना, नहीं तो आपको इसको 2 महीने में काम खत्म होता है, 1 महीने में काम खत्म हो रहा है. इसी तरह से ही और बहुत सारी कॉस्ट बच जाती है क्योंकि आपका टाइम बच जाता है हर चीज के अंदर. टाइम इज मनी. तो हर चीज के अंदर जो जिस चीज को डिलीवर करने में आपको 8 घंटे 2 दिन 4 दिन लगते तो हो सकता है 2-2 घंटे में डिलीवर हो रही हो. देर आर अदर वेज थ्रू विच यू कैन रिड्यूस योर कॉस्ट. बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती है कॉस्ट के अंदर. नाउ अब मैं कुछ मिसकंसेप्शंस जो है ईआरपी के बारे में क्लियर करना चाहूंगा, जो कि कुछ लोग बता भी रहे हैं मार्केट के अंदर. मुझे लगा कि शायद उसको एक गलत ढंग से पेश किया जा रहा है. मतलब एक ही चीज को आप कई तरीके से देख सकते हैं, तो वो अपने तरीके से उस चीज को दिखा रहे हैं, इस वजह से मिसकंसेप्शंस हैं. तो आपको एटलीस्ट एज ए बिजनेस ओनर, एज ए मैनेजर, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये इससे आपको क्या क्वेश्चन पूछना है. या फिर अगर आप इससे कन्विंस भी हैं तब भी एक बार ट्राई कीजिए कि क्या इन बातों का जवाब है. अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स. वो कहते हैं कि ईआरपी और गूगल शीट ऑटोमेशन में डिफरेंस क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स अनक्लियर रहते हैं ईआरपी के केस में. अरे भाई ऑब्जेक्टिव्स कौन बनाता है? ईआरपी का काम कौन है? ऑब्जेक्टिव्स बनाना. एज ए बिजनेस ओनर आपको पता होना चाहिए ना आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ऑब्जेक्टिव्स ईआरपी पे कैसे आ गए? ईआरपी तो एक पूरा सुपरसेट है. मैं अगर सैप की बात करूं, ओरेकल की बात करूं, बड़े बड़े ईआरपीज जो आते हैं उसके अंदर ऑब्जेक्टिव्स को ना, वो तो बहुत बड़ा सुपरसेट है. उसमें से कुछ पार्ट आपको दे देते हैं आपके हिसाब से, जो आप बताते हैं कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव तो आपको सेटअप करने हैं. अगर आप किसी जनरल कंपनी से भी बनवा रहे हैं तो वो भी तो आपको आपके ऑब्जेक्टिव जान के तो बनाएगी ना. अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पर. आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि गूगल शीट ऑटोमेशन में चेंजेस करना आसान होता है, फटाफट चेंजेस हो जाते हैं, इसलिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट बीच में बदल भी गई तो हम फटाफट करके दे देंगे, इस ये सेंस करता है. लेकिन ऑब्जेक्टिव्स अनक्लियर है ऐसा नहीं है. होता क्या है कि जनरली जो कंपनीज हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझे बिना ही डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती हैं, और बाद में जब चेंजेस आते हैं तो दिक्कत होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट द मीडियम और स्मॉल लेवल कंपनीज, जो कि जिनसे आप जिनसे एक स्मॉल लेवल स्मॉल और मीडियम लेवल बिजनेसेस ईआरपी बनवाते हैं. तो अगर आप अच्छी कंपनी चुनिए जिसके अंदर आप पहले ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कीजिए ना, सारी रिक्वायरमेंट क्लियर कीजिए उनके साथ, एक एक करके समझेंगे वो आपकी बातों को. जब आपकी सारी रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाइए, पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू आप जाएंगे तो कोई अनक्लियर ऑब्जेक्टिव वाली बात नहीं रहती. और वैसे भी ऑब्जेक्टिव आपके हैं, ईआरपी के नहीं है. लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल. हाँ ठीक है, कोई चीज स्टेबल बनेगी तो लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल होगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? और लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल भी ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग होती है. अब लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल की डेवलपमेंट लॉन्ग हो रही है, आपको यूज करने में लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा इसके अंदर. फॉर एग्जाम्पल लेट से आपको पूरा ऊपर ईआरपी बनाना है तो आप पूरी ईआरपी को एक साथ यूज मत कीजिए ना. आप एक मॉड्यूल को तैयार कीजिए, उस मॉड्यूल को यूज करना शुरू कीजिए. इन द मीन टाइम आपका सेकंड मॉड्यूल तैयार हो रहा है. जब सेकंड मॉड्यूल तैयार हो जाएगा वो इंटीग्रेट हो जाएगा इसके साथ, सेकंड मॉड्यूल को यूज करना शुरू कीजिए, फिर थर्ड को. तो आप कौन सा बहुत बड़े फॉर एग्जांपल जो बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं जिनमें 1000 लेट से 100 करोड़ 50 करोड़ बड़े बड़े ईआरपीज लगते हैं, उनका मुझे समझ में आता है. लेकिन उनके अंदर भी ऐसा नहीं होता इम्प्लीमेंटेशन. उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी जिसे कहते हैं कि एक प्रॉपर स्टेप वाइज से होती है और उसी को लोग यूज करते हैं. तो लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल है पर आपकी जिंदगी पर असर नहीं पड़ता है. वो आप स्लो एंड स्टडी आपकी इंप्लीमेंटेशन चलती रहेगी, पैरेलली डेवलपमेंट चलती रहेगी. और जहां तक रही बात लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल की, तो इसकी लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल एक्सेप्टेबल है. क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट भी उतना देती है, आपको प्रोडक्टिविटी भी उतना ही बना के देती है. तो इट्स एक्सेप्टेबल. ये सब कंपेरेटिव स्टडी है, आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप इन्वेस्टमेंट डाल रहे हैं और क्या आपको रिजल्ट निकल के आ रहा है. नॉट मैप टू एक्चुअल वर्क फ्लो. ये कहते हैं एक्चुअल, ये बात एक्चुअली वही ऑब्जेक्टिव वाली आ गई. नॉट मैप टू एक्चुअल वर्क फ्लो इसलिए क्योंकि आपने पहले ही वर्क फ्लो अपना क्लियर नहीं किया. तो एज ए बिजनेस ओनर आपका सबसे पहला काम बनता है कि आप बैठ के जो भी आपका आईटी कंपनी से काम कर रहे हैं, जो भी डेवलपर है आपका, उसके बैठ के अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कीजिए, वर्क फ्लो क्लियर कीजिए, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे टाइम लगाइए. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे अगर टाइम लगाएंगे तो बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी. रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट पे आप टाइम नहीं लगाते हैं और बाद में आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए होता है तो फिर आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है, आपके एंड पे भी उसके एंड पे भी. तो ऐसा नहीं है कि नॉट मैप्स टू एक्चुअल वर्क फ्लो, बिना वर्क फ्लो के कैसे काम चलेगा. एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर.
मतलब मैं गूगल शीट से कंपेयर करूँ तो ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, इट्स नॉट कि एक्सपेंसिव नहीं है, पर हार्डवेयर क्यों चाहिए मुझे नहीं पता। मतलब बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल टू मीडियम लेवल ऑफ इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेरी बिग कंपनीज। तो उन कंपनीज को कुछ हार्डवेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो भी एक अलग सेंस के हार्डवेयर है, क्लाउड पे आ गई हैं चीज़ें, तो वो कॉस्ट तो रही नहीं। एक जनरल कंपनीज जो ERP यूज करती हैं उनको किस चीज़ की हार्डवेयर की जरूरत है मुझे नहीं पता। बेसिक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन चल रही हैं आजकल, कौन सा हार्डवेयर चाहिए आपको? और जहाँ तक ये बात एक्सपेंसिव की, तो एक्सपेंसिव भी इतना नहीं है आजकल। ज़्यादातर ERP आपको सब्सक्रिप्शन मोड पर अवेलेबल है, आपको एक बार में सारा पैसा भी पे नहीं करना है। सो इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू दैट पार्ट। कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग, कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग अगेन अगर कंपैरिजन करूं तो कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग इस सेंस में नहीं है कि आपको पूरा ERP एक बार में नहीं सीखना है। वही मैंने आपको जैसे कहा लॉन्ग डेवलपमेंट साइकिल वाली बात, कि जैसे 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 आपका जैसे जैसे आपका मॉड्यूल्स बनते जाते हैं वैसे वैसे आप ट्रेनिंग लेते जाइए। फॉर एग्जाम्पल आपको 2 महीने में कुछ डिलीवर हुई, आपको ट्रेनिंग मिल गई, फिर आपने अगले 2 महीने में कुछ डिलीवर हुई, आपको ट्रेनिंग मिल गई। आपके लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो साथ साथ ट्रेनिंग लेके उसके साथ इक्विप्ड भी होते जा रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अगली चीज को फिर समझ लेंगे, स्लो एंड स्टडी बल्कि अच्छी ट्रेनिंग हो जाएगी। प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग इसलिए होती है क्योंकि पूरा का पूरा ERP जो कंपनीज करती हैं वो लेके आती हैं और एक बार में डाल देती हैं और फिर कहती हैं कि अच्छा पूरा आप सीख लो एक बार में, तो फिर तो ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स रहेगी। छोड़ो जिस कंपनी को सिखा रहे हैं, जिसने खुद बनाया उसको नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। तो पूरा का पूरा ये प्रोसेस ही गलत है, इस तरह से कभी इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है, हमेशा मॉड्यूल वाइज ट्रेनिंग होती है, मॉड्यूल वाइज इम्प्लीमेंटेशन होती है और आपको वही करनी है। अगर आप उस तरह से करेंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग नहीं है। और कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग वाली क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आज के लोग फेसबुक वगैरह इस पर काम करते हैं, इसमें कौन से अलग फॉर्म्स हैं, वही फॉर्म्स वही चीज़ें। आपको अपने बिजनेस के बारे में तो पता ही होना चाहिए, और अगर आपको अपने बिजनेस के बारे में नहीं पता तो बेसिकली आपको स्टाफ को ट्रेन करने की जरूरत है। ERP पे आप उसका दोष नहीं डाल सकते हैं। डिफिकल्ट टू फाइंड कॉम्पिटेंट वेंडर्स, इस बात पे मैं थोड़ा सा एग्री करता हूं कि कॉम्पिटेंट वेंडर्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर उनके साथ आप काम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या आपको क्लियर है। एज ए बिजनेस ओनर अगर आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर है तो फिर वो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपको आपकी रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं होती और आप सब कुछ वेंडर से एक्सपेक्ट करते हैं, तब प्रॉब्लम शुरू होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये प्रॉब्लम मैं कई लोगों से डिस्कस करता हूं, बोलता भी उस बात को बार बार कि ये प्रॉब्लम आती है कि जो बड़ी कंपनीज हैं, बिग कंपनीज हैं, टॉक पार्टिकुलरली अबाउट इंडिया, इंडियन कंपनीज और या इंडियन बिजनेस ओनर्स, जो बड़ी कंपनीज हैं जो कि बेंगलोर गुड़गांव जैसी जगह में हैं, वो कंपनीज जनरली इंडियन क्लाइंट के साथ काम नहीं करना चाहती क्योंकि उनका मानना है कि वो पैसे पे नहीं कर पाते, दे डोंट हैव दैट पेइंग कैपेसिटी जो कि बाहर से US वगैरह से मिल जाती है। और जो छोटी कंपनीज हैं जो कि आपको आसपास मिल जाएंगी, कुछ कुछ लोगों की कंपनी जो शुरू कर रखी हैं लोगों ने, वो आपकी रिक्वायरमेंट को समझ नहीं पाती हैं तो और कंप्लीट नहीं कर पाती। तो बीच के जो बिजनेसेस हैं जिनको वेबसाइट नहीं चाहिए, वेबसाइट से ऊपर थोड़ी सी चीज़ें चाहिए और ऊपर तक जाना चाहते हैं, तो वो सारे स्टक हो जाते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। बड़ी कंपनी आपको कैटर करना नहीं चाहती, छोटी कंपनी आपको कैटर कर नहीं सकती। तो यहाँ पर एक बेसिक लेवल की प्रॉब्लम है। जहाँ तक रही बात वेरी कॉस्टली, देखिए अब मैं बात कंपेयर कॉस्ट की कंपेरिजन करूँ तो कोई डाउट नहीं है इस बात में कि ERP इज मच कॉस्टलियर देन द गूगल शीट ऑटोमेशन, ऑफ कोर्स, क्योंकि सारा कॉस्ट आपके पास आ रहा है। लेकिन जो इसके अंदर कंपैरेटिव आपको कंपैरिजन आपको ये करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेता हूँ कि आपकी मंथली जो सेल्स है वो 1 करोड़ रुपए की है, या आप 1 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट कमाते हैं फॉर एग्जांपल मंथली, राइट। आप 10,000 रुपीज गूगल शीट ऑटोमेशन में डालते हैं और महीने का 50,000 रुपये बचाना शुरू कर देते हैं या 1,00,000 रुपये बचाना शुरू कर देते हैं, मान लिया, ठीक है। दूसरी तरफ आप एक ERP बनाते हैं जिसके अंदर आपने 2 से 3 लाख रुपए लगाया, लेट्स से, राइट, और आप महीने का 20,00,000 रुपए बचा रहे हैं, विच इज बेटर, दैट यू हैव टू थिंक। इसी कंपैरिजन में ही आपको स्टडी करनी है, आपको यही समझना है। कहने के लिए वो बड़ा आसान लग रहा है कि वो सस्ता है और आपको पैसे बचा रहा है, लेकिन आपको ये बात और देखनी है कि ERP पैसा लगा कितना बच सकता है। आफ्टर डूइंग दैट कंपैरेटिव स्टडी ही आप एक सही डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। नाउ द लास्ट वर्ड्स ऑफ एडवाइस फॉर यू, गूगल शीट इज एन एक्सीलेंट टूल फॉर ऑटोमेटिंग सर्टेन टास्क एंड यूटिलिटीज, बट डू नॉट गेट फूल्ड बाय ERP और CRM रिप्लेसमेंट ऑल्टरनेटिव। गूगल शीट एक एक्सीलेंट टूल है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। बहुत सारी चीज आपकी बहुत आसान कर देता है, जीमेल से इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ईमेल भेजना बहुत आसान है, बेसिक लेवल की ऑटोमेशन करना बहुत आसान है, कोडिंग बहुत आसान है,
आपके छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन ये ईआरपी और सीआरएम का ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको कोई कहता है कि ये ईआरपी और सीआरएम का ऑल्टरनेटिव हम आपको दे रहे हैं, तो बी अलर्ट, आज नहीं तो कल आपको ईआरपी और सीआरएम पे आना ही पड़ेगा, गूगल शीट ऑटोमेशन को छोड़कर। मैं नहीं कह रहा हूँ, गूगल खुद कह रहा है, ठीक है। तो इसको ईआरपी और सीआरएम का ऑल्टरनेटिव समझ के ना बनवाएं ना यूज करें। हाँ, बेसिक आपको ऑटोमेशन करानी है, बेसिक यूटिलिटीज की ऑटोमेशन करानी है, पेमेंट रिमाइंडर बनवाना है, मार्केटिंग ऑटोमेशन करानी है, छोटी छोटी ऑटोमेशन करानी है, कोटेशन बनवानी है, आपको इनवॉइसिंग बनवाना है, ऑटोमेटिक इनवॉइस बन जाए, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इट इज़ नॉट ए रिप्लेसमेंट ऑफ ईआरपी, नॉट इवन सीआरएम। सीआरएम जो होता है वो आपका ईआरपी का एक छोटा पार्ट होता है, राइट। तो इस सीआरएम की भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर एज इट फ्रॉम ईआरपी और सीआरएम पर्सपेक्टिव, देन प्लीज रीच आउट टू मी or any IT consultant before taking any decision, as it can slowly eat away your money before you finally migrate to a proper ERP. क्यों आना तो आपको पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया, मेरे पास ना जाने कितनी कंपनी है जो खुद इन सब चीज़ों करके मेरे पास आई हैं, क्योंकि उनको आना पड़ता है एक लेवल पे आने के बाद। सो आप मुझे कॉल कीजिए, पता कीजिए एटलीस्ट जानने से पहले। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा एग्रेशन में आज इसलिए हूँ क्योंकि बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, वो समझाने की कोशिश ही नहीं कर रहे, अपने अपने तरीके से चीज़ों को समझा दिया गया है। तो आप जाने से पहले, करने से पहले एटलीस्ट अपना दिमाग लगाइए, मुझसे नहीं किसी और आईटी कंसल्टेंट से बात कीजिए, चार लोगों से कंसल्ट कीजिए प्रॉपर से, वो आपको बताएंगे कि गूगल शीट ऑटोमेशन इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ईआरपी और सीआरएम। थैंक यू फ्रेंड्स।